सो ही फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो इट्स टाइम करेंटली 8 AM और अभी जस्ट मैं जाके उठा हूँ। तो मैंने कहा यार आज जो है सुबह से अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं, अभी तक मैं एडिट करने नहीं बैठा हूँ। फिर मैं अभी जल्दी उठा हूँ, मैंने कहा थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ, अलार्म ने मेरे को उठा दिया। तो अभी जो हूँ मैं अपनी एडिटिंग शुरू करूँगा, फिर उसके बाद जो है आज मेरे थोड़े प्लान्स हैं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर जाऊँगा। बट लेट्स सी, मतलब मम्मी पापा के साथ भी मैं जाऊँगा, उनसे दोपहर में मिलूँगा, फिर उसके बाद शाम को मम्मी पापा के साथ जाऊँगा। तो लेट्स सी कैसा जाता है प्लान। तो चलो पहले मैं अपनी एडिटिंग फिनिश करता हूँ अंदर चल के, एंड फिर उसके बाद आप सभी से मिलता हूँ। सो ये रही हमारी इडली वड़ा और ये दाल वड़ा। सो अभी मैं जो हूँ घर पर वापस आ चुका हूँ और अभी मैं सबसे पहले करूंगा अपनी एडिटिंग। सो फ्रेंड्स, अभी हम मैं जस्ट ऊपर से नीचे आया। एक्चुअली हुआ क्या ना, ये देखो बाहर तेज एकदम बारिश आ चुकी है, कैमरे पे तो ऐसे नहीं दिख रही लेकिन बहुत तेज बारिश आई थी। तो हमारे ऊपर अभी कपड़े डाले हुए थे, मम्मा पापा फटाफट भाग के गए एंड कपड़े लेके आए, एंड बहुत तेज बारिश यार, सीरियसली। ये देखो हमारी तो पूरी शेड गीली हो चुकी है, एंड अगर आप लोग बूंदे देख सकते हो तो अभी बारिश हो ही रही है। फ्रेंड इट्स टाइम राइट नाउ 3:25 और अभी मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। एक्चुअली आज जो है मैंने अपने दो फ्रेंड्स का प्लान बनाया था, तो मेरे तो दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं, काफ़ी पुराने बचपन के फ्रेंड्स हैं। तो अभी मैं उनके साथ जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो अभी मैंने जो यहाँ भोपाल में चलती है रैपिडो, मैंने फटाफट वो किया। मैं एक्चुअली पापा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैंने कहा आप आराम करो, मैं जाता हूँ मस्त आराम से, फटाफट वहाँ पहुँच जाऊँगा, उनके साथ मिल भी लूँगा, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँगा। मैंने जो है अभी अपनी बाइक कैब बुक की है, तो बस मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी बाइक कब आ रही है, बाइक राइड से उसके बाद अपन निकले। तो फ्रेंड्स अभी मैंने जो अपनी मेरी जो बाइक राइड है वो आ चुके, भैया आ चुके हैं मेरे को लेने के लिए। तो चलो अभी अपन चलते हैं। और अभी कुशाग्र भी आ चुका है, एक्चुअली मैं उसके साथ ही आया, बीच में मुझे मिल गया था, मैंने कहा यहीं पर रुक के उसके साथ ही आ जाते हैं। और अभी हम लोग आए यहाँ पे द क्रश कॉफ़ी करके, मैंने कहा यहीं पे चल लेते हैं, नहीं तो हम लोगों का एक फिक्स जगह थी शर्मा विष्णु, हमने कहा लेकिन वहाँ नहीं चलते, वहाँ तो आते जाते रहते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे आए। एंड कुशाग्र को वैसे आप सब लोग नहीं जानते होंगे, जो इंस्टाग्राम पे हैं वो जानते होंगे ज़रूर, ये मेरा बचपन का दोस्त है, कम से कम दूसरे कितने 10-12 साल तो आराम से ही हो गए। तो चलो अभी अपन चलते हैं अंदर। हम लोग ऐसे बैठे बैठे काफ़ी समय से हम लोग नहीं मिले थे, तो बात ही कर रहे थे, और अभी हम हमारी फ्रेंड का ही वेट कर रहे थे, और वो रही हमारी फ्रेंड, वो देखो वहाँ दूर से भी दिखेगी नहीं किसी, तो वो भी आ चुकी है, एंड यहाँ पे हम हमारी कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा। जो एक्सप्लेन करने का बहुत सही था वो, ये पूरा स्कूल है फिर ये बट जाएगा, ये थोड़ा हो जाएगा। यार कभी भी स्टूडेंट चालू कर, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकती थी कि देखो एक तरीके से सैंडविच है ये पूरा स्कूल, फिर उसके बाद एक साइड इसका जो ग्राउंड है ये पूरा वो हट चुका है, ठीक है, फिर उसके बाद ये बच्चा अपना स्कूल बच्चा होगा, ठीक है, और ये तुम्हें खाना है, नहीं देखो अभी इसका देखो पूरी अनबॉक्सिंग होगी, पूरी अनबॉक्सिंग नहीं सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सेपरेशन होगा, सेपरेशन होगा उसका, तीनों का एक ही पीस। हाँ ये क्या कंक्लूजन, यही पूरा स्कूल बट जाएगा। नहीं मेरी प्लेट वाला एग्जांपल ज्यादा अच्छा था, स्कूल वाला भी ज्यादा अच्छा है, तो बीच में देख बीच में पिसने बच्चे तीनों कैसे बेकार भाई, सैंडविच में देखो बीच में बच्चे भी तो पिसने ही, देखो बच्चा अपन पिस गए, वेजिटेबल नहीं मसाला, ये बच्चा स्कूल का मसाला अपन ही है, ये बच्चा का स्कूल है, ये बच्चा का स्कूल है, नहीं वो तो खत्म हो गया, वो अभी पेट में हमारे स्कूल बोल देना, स्कूल हम दोनों खा देंगे, तो अभी सैंडविच बोल, सैंडविच ही खाओ, स्कूल बोल स्कूल खा लेंगे, स्कूल हम बचपन से खाना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स अभी देखो हम लोग बस बाहर, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, बाप रे ये देख रहे हो फ्रेंड्स, माँ कसम ढूंढ अभी अपन घर वापस कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे एक घंटे तक, एक घंटे तक, अरे इसकी कोचिंग है यार, देख रहे हो फ्रेंड्स कितनी तेज बारिश हो रही है, वाओ यार
बाप रे वो देखो जरा जाएंगे यार पीछे दो यार डूड देख रहे हो कितनी तेज बारिश हो रही है फंस गए भाई निकल चुके हैं कैफे से और अभी अपन भी घर चलते हैं अभी बारिश रुकी है तो हमने कहा फटाफट निकल लेते हैं फिर उसके बाद कुशाग्री की कोचिंग भी है मैंने कहा यार इसकी कोचिंग मिस नहीं कराते चलो अभी अपन चलते हैं भाई सीट पूरी कीजिए इंडियन जुगाड़ लगा के पहुँचते बम से ही पहुँचना पड़ेगा कपड़ा ही नहीं कर कुशाग्री का अपना बैग लेने के लिए आया था अपनी उसकी कोचिंग के लिए तो चलो अभी अपन चलते हैं सो फ्रेंड मैं अभी घर पर आ चुका हूँ एंड अभी बाप रे मुँह हाथ धोता हूँ और फ्रेश होता हूँ पहले तो सो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने एक जस्ट शॉर्ट वीडियो शूट किया है और देखो अभी बिट्टी यहाँ पे खा रही है मोमोज मैं जो था वो कैफे से मोमोज पैक करा के लाया था साथ में बिट्टी देख रही है क्या देख रही हो बिट्टी कौन है ये अच्छा गेमिंग फ्रेंड माइनक्राफ्ट मत खेलो ठीक है जो भी बच्चा अभी माइनक्राफ्ट खेलता है मत खेलो भाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाओ ठीक है माइनक्राफ्ट नहीं खेलो जैसे बिट्टी नहीं खेली वैसे आप भी मत खेलो फ्रेंड्स चलो अभी अपन चलते हैं और अभी हम लोग थोड़ी देर बाहर जा रहे हैं साथ में हमने एक घड़ी भी रखी है मेरी एक्चुअली ये घड़ी है ये खिलौने जैसी लग रही होगी लेकिन ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूनिक घड़ी है ये एक बाइक वाली घड़ी है तो देखो अभी इसका मशीन में थोड़ा इशू हो गया तो इस वजह से अभी हम इसकी मशीन चेंज कराने के लिए लेके जाएंगे इसको वहीं पर पास में टाइम शॉप भी है वहीं पर यहाँ पर टाइम शॉप क्या बोलूँ फिर सर्विस सेंटर घड़ी की दुकान है वहीं पे हम इसमें मशीन ठीक करा देंगे यार चलो बेटी तुम बापरे देखो जरा ये जरा सी बारिश हुई है एंड देख रहे हो कितने नीचे पत्थर आ गए सो फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे भोपाल में एक जगह है छः नंबर करके एक जगह है तो अब यहाँ पे हॉकर्स कॉर्नर है तो अभी हम यहाँ पर आए हैं एंड अभी अंदर अपन चलते हैं कुछ स्नैक्स खाते हैं और देखते हैं हमने ना यहाँ पे लिया हक्का नूडल्स बेटे को हक्का नूडल्स भी खानी है हर जगह सुबह सुबह उठ के मैगी भी खानी है फिर हक्का नूडल्स भी साथ में हमने ली थी जलेबी जो खत्म हो चुकी है अब और यहाँ पे भी हम और भी कुछ ट्राई करेंगे मम्मी वहाँ पे मंगोड़े लेने के लिए गई है और बाकी देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे पाव भाजी बनवाई है और अभी यहाँ पाव भाजी बन रही है ये देखो बाहर की तेज बारिश हो रही है चलो भाई चलते चलो अपन चले कुछ छूटा तो नहीं आ रहा फाइनली अभी हम लोग छाते भी ले रहे हैं बिकॉज एक तो ले ही लेते हैं बाकी घर पे तो है ही एक ले लेते हैं सही है बड़ा कितने का है सो अभी हमने फाइनली हाँ चलो तू पकड़ ले हमें पकड़ लो दोनों में तो एक दिन पकड़ ले हाँ मैं आपको लेके चलता हूँ ना साथ में गिर ना जाए फ्रेंड्स अभी हम लोग न्यू मार्केट आए थे एंड अभी हम लोग स्पेशली यहाँ पे घड़ी ठीक कराने के लिए आए थे तो अभी हमारी घड़ी ठीक हो चुकी है इसका मशीन लग गई नहीं और अभी हमने छाते भी ले लिए हैं दो छाते लिए चार हो गए फिर दो छाते हाँ दो छाते भी ले लिए और अभी हम लोग चल के आइसक्रीम भी खाएंगे और देखो अंदर मार्केट की लाइट चली गई यहाँ पे पूरी मार्केट की लाइट कैसा छाता है भीग रही हो ना तुम इसमें अच्छा है या बेफालतू में ले लिया तूने ये वाला ये काफी था एक में चार भज जाता है ना नहीं दो भीगते तो कुछ तो दो दिन की बात है दो दिन की कुछ बात नहीं है